कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। वहीं भारत में ये आंकड़ा सैकड़ा पार कर चुका है। हाल ही में जर्नल एनल ऑफ इंटरनल मेडिसिन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले 5 दिनों के भीतर शरीर में 3 खास लक्षण नजर आने पर कोरोना वायरस की शिकायत हो सकती है। आइए जानते हैं ये 3 लक्षण क्या है। नंबर 1, सूखी खांसी आना। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद मरीज को सूखी खांसी आनी शुरू हो जाती है। उसे थोड़ी थोड़ी देर में खांसी आती रहती है। इसमें जुकाम और बदन दर्द की समस्या भी रहती है। कई बार ये मौसम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर ये स्थिति 5 दिनों तक बनी रहे तो मरीज को कोरोना वायरस की जांच करवानी चाहिए। नंबर 2, सांस लेने में तकलीफ। कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर पहले 5 दिनों में इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सांस की समस्या फेफड़ों में बलगम फैलने की वजह से होती है। इसलिए अगर किसी मरीज को 5 दिनों तक ऐसे लक्षण दिखे तो उसे कोरोना की जांच जरूर करवानी चाहिए। नंबर 3, तेज बुखार आना। कोरोना वायरस से संक्रमण का 3रा लक्षण है तेज बुखार आना। अगर किसी व्यक्ति को खांसी के साथ साथ तेज बुखार भी आना शुरू हो जाए तो उसे फौरन कोरोना वायरस की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस में तेज बुखार चढ़ने का दावा कर चुके हैं। नेशनल हेल्थ सेंटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोरोना वायरस में यही लक्षण होने का दावा किया था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के लक्षण सर्दी, जुकाम, फ्लू इन्फेक्शन या निमोनिया से काफी मिलते जुलते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि मरीज को कोरोना वायरस हो। इसकी जांच करवाने के बाद ये पता चल जाता है कि मरीज कोरोना से संक्रमित है या नहीं। इसलिए अगर आपको ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं तो कोरोना वायरस की जांच करवाना ना भूले, क्योंकि बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। टीम खबर अपडेट।